बालक की प्रथम पाठशाला घर होता है और घर से बाहर वो अपना पहला कदम स्कूल में रखता है। बच्चे को स्कूल की चार दीवारी में छोड़कर माँ बाप बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए तब क्या होगा जब स्कूल ही बच्चे और माँ बाप के लिए भय का कारण बन जाए। जब स्कूलों में मासूमों की हत्याएं होने लगे, 5 साल की बच्ची जिसने बलात्कार शब्द न सुना हो उसके साथ बलात्कार होने लगे, जहाँ बच्चों का भविष्य सुधारने हम उन्हें भेजते हैं उन स्कूलों से ठीक 27 कदम दूर शराब के ठेके चलते हो, जहाँ दिन भर नशेड़ी फूहड़ता करते हो, गुनहगार कौन? स्कूल प्रशासन, सरकार, सिस्टम या कोई और? सवाल और भी कई हैं, लेकिन सबसे पहले 2 घटनाओं को बताती हमारी ये रिपोर्ट। बच्चा जब पहली बार बस्ता लेकर स्कूल को निकलता है तो माँ बाप के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। इतना ही नहीं, वो बच्चा अपनी पीठ पर बस्ते में देश का भविष्य लादे हुए जाता है। लेकिन सिलसिलेवार तरीके से हो रही घटनाओं के बाद अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए माँ बाप की रूह कांप जाती है। जरा इन 2 तस्वीरों को गौर से देखिए। 1 7 साल के मासूम की स्कूल पहुंचने के 10 मिनट के भीतर हत्या हो जाती है। घटना गुड़गांव के रायन इंटरनेशनल स्कूल की है। दूसरी, 5 साल की मासूम लड़की का स्कूल के भीतर ही रेप हो जाता है, शाहदरा के गांधीनगर स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल में। स्कूलों में बच्चे कितने सुरक्षित हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि प्रद्युम्न की हत्या हो जाती है, न कोई बच्चे के चीखने की आवाज सुनता है और न ही किसी को ये पता कि कौन हत्या करके चला गया। टैगोर स्कूल में चपरासी 5 साल की बच्ची के साथ रेप कर लेता है, लेकिन स्कूल में किसी को भनक तक नहीं लगती कि स्कूल में हो क्या रहा है। लेकिन सवाल इससे भी कई कदम आगे हैं। सवाल सिस्टम पर, सवाल देश के उस कानून पर जो न जाने कितने निर्भया कांड के दोहराने का इंतजार कर रहा है। निर्भया कांड के वक्त फूटे गुस्से को रेप के खिलाफ कठोर कानून बनाने के आश्वासन के साथ खत्म कर दिया। रेप केस की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही थी। रायन इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्युम्न की हत्या के बाद से दिल्ली और गुड़गांव में परिजन सीबीआई जांच की मांग उठा रहे हैं, ताकि कोई दूसरा बच्चा प्रद्युम्न की तरह हैवानियत का शिकार न हो। लेकिन हकीकत तो ये है कि सिस्टम का पहिया तब तक ही चलेगा जब तक ये घटना अखबारों और चैनलों की सुर्खियां बनी रहेगी। यकीन न हो तो एक बार याद कीजिए निर्भया कांड के बाद देश भर में आए उबाल और उस वक्त सिस्टम की ओर से कठोर कानून बनाने के भरोसे को, और फिर एक नज़र निर्भया कांड के बाद के 5 साल पर डालिए, जब न जाने इस देश में कितनी ही निर्भया दरिंदगी का शिकार हो गई, लेकिन न वो अखबारों की सुर्खियां बन सकी और न ही सिस्टम के लिए सवाल बन सकी। इस देश में हत्या और रेप की घटनाएं आए दिन हो रही है। अब तो स्कूल भी इससे अछूते नहीं रहे, लेकिन सिस्टम आश्वासन से ज्यादा कुछ देता नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इंदिरापुरम में अरमान की संदिग्ध मौत हो गई। अखबारों की सुर्खियां भी बनी, मामला हाईकोर्ट तक गया, लेकिन फिर प्रद्युम्न की मौत। कैसे मान लिया जाए कि आज के समाज में बच्चे सुरक्षित हैं? हत्या और बलात्कार हैवान के लिए ये आम बात हो चुकी है। लोग छोटी छोटी बात पर हत्या कर देते हैं, मासूम तक को नहीं छोड़ते, इनके हाथ तक नहीं कांपते। जिस बच्ची ने बलात्कार शब्द न सुना हो उसे हवस का शिकार बना दिया जाता है। ये सवाल हमारे समाज की बदलती मानसिकता और सिस्टम दोनों पर हैं, क्योंकि आए दिन हो रही घटनाओं के बावजूद कठोर कानून नहीं बनाए जाते और जो कानून है उन पर अमल नहीं किया जाता। लेकिन आखिर एक बड़ा सवाल कि कानून का खौफ क्यों नहीं? हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।